गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम फ्लेमिंगो बुक से जो आपका प्रोज सेक्शन है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर हैं ऑथर हैं वो अल्फोंस डॉडेट हैं। चलिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। अल्फोंस डॉडेट वॉज अ फ्रेंच राइटर। अल्फोंस डॉडेट एक फ्रांसीसी लेखक थे। हिज फादर उनके पिताजी विंसेंट डॉडेट वॉज अ सिल्क मैन्युफैक्चरर एक रेशम निर्माता थे। हु फेस्ड मिसफॉर्चून एंड फेलियर इन लाइफ जिन्होंने जीवन में दुर्भाग्य और असफलता का सामना किया था। डॉडेट वॉज अ ग्रेट राइटर। डॉडेट एक महान लेखक थे। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 14। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में अपना पहला उपन्यास प्रकाशित किया था। ही वॉज अ पेट्रियट। वो एक देश प्रेमी भी थे। कहने का मतलब वे एक देशभक्त भी थे। ही वॉज पेंड एट फ्रांस डिफीट इन द बार अगेंस्ट प्रसिया। प्रसिया के और फ्रांस के जो युद्ध में जो फ्रांस की हार हुई थी उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे। कहने मतलब उनको पीड़ा पहुंची थी। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफीट पराजय के परिणाम स्वरूप टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस के दो जिले अलसेस एंड लॉरेन पास्ड इनटू प्रसिया सेंड्स। नाउ जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स अंडर देयर कंट्रोल। और प्रसिया के हाथों में पहुंचने के बाद इन दो जिलों में जर्मनी भाषा थोप दी गई। दिस स्टोरी सेंटर्स राउंड ए मैमल ए डेडिकेटेड एंड पेट्रियटिक टीचर। कहने का मतलब ये है यह कहानी एम हैमिल नाम के एक समर्पित और देशभक्त अध्यापक के आसपास केंद्रित है। ही हैड टॉट फ्रेंच फॉर 40 ईयर्स। उन्होंने फ्रांस की भाषा को 40 साल पढ़ाया था। बट नाउ जर्मन लैंग्वेज हैड बीन इम्पोज ऑन द पीपल ऑफ दैट एरिया। लेकिन अब उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर जर्मनी भाषा थोप दी गई थी। कहने मतलब जर्मनी भाषा उनको सीखनी थी क्योंकि वो दोनों के दोनों जिले पर्सियन के हाथों में चले गए थे। द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। अगले दिन एक नया अध्यापक आ रहा था अर्थात आने वाला था। दिस वॉज एम हैमल्स लास्ट लेसन। और ये एम हैमल नाम के जो अध्यापक थे उनका अंतिम सबक था, अंतिम पाठ था। इन दिस लेसन इस पाठ में ही गेव द मैसेज। उन्होंने एक संदेश दिया है ऑफ पेट्रियटिज्म। कहने मतलब उन्होंने इस पाठ के माध्यम से इस पाठ में देशभक्ति का एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है टू हिज स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों के लिए एंड कंट्रीमैन और अपने उस देशवासियों के लिए। ही अर्ज देम टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। उन्होंने उनसे कहा, उनसे अर्ज किया, प्रार्थना की, एक रिक्वेस्ट की, आप अपनी भाषा की रक्षा करें। उन्होंने उन लोगों से अपनी खुद की भाषा की रक्षा करने के लिए अर्ज किया, प्रार्थना की। ही सेड दैट देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल। मतलब कि उस अध्यापक ने कहा कि उनकी भाषा विदेशी शासन से मुक्ति पाने की एक कुंजी है। चलिए अब हम विस्तार से समझेंगे। लेट्स वॉच नाउ। ए बॉय नेम्ड फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। एक फ्रेंच नाम का जो लड़का है वो इस कहानी का वर्णन करता है, उसके द्वारा इस कहानी का वर्णन किया गया है। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ एम हैमल्स स्कूल। वह श्रीमान एम हैमल के विद्यालय का एक छात्र था। बंटे माने एक दिन ही वॉज लेट फॉर स्कूल। एक दिन वो विद्यालय के लिए लेट हो जाता है। सो ही वॉज हरिंग टू स्कूल। इसलिए वह विद्यालय जाने के लिए बहुत जल्दी में था। ही फियर्ड उसे भय था, उसे डर था दैट कि ही वुड बी रिवक्ड फॉर कमिंग लेट, कि उसे देर से आने के लिए डांटा जाएगा। सेकंडली दूसरी बात, एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन द पार्टिसिपल। इसके अलावा श्रीमान एम हैमल ने, कहने मतलब उसके अध्यापक जो एम हैमल थे, उन्होंने उससे पार्टिसिपल्स पे मतलब कि कृदंत पे विद्यार्थियों से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए भी कहा था कि भाई आपको इन विद्यार्थियों से पार्टिसिपल्स के
कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, प्रश्न पूछने हैं। फ्रेंच हैड नॉट लर्न्ड देम, फ्रेंच ने उनको लर्न नहीं किया था, कहने मतलब याद नहीं किया था। फॉर अ मोमेंट, एक पल तो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक बार तो उसने ये सोचा कि क्यों ना इधर उधर कहीं भाग जाया जाए। एंड स्पेंडिंग द डे इन द कंट्री साइड, और कहीं जाकर के अपना समय व्यतीत किया जाए पूरे दिन का। बट देन, लेकिन तब ही डिसाइडेड टू अटेंड द स्कूल एंड हरी डोन, लेकिन उसने तुरंत स्कूल जाने का निर्णय लिया और वह स्कूल के लिए तेजी से चल पड़ा। ऑन हिज वे टू स्कूल, विद्यालय के रास्ते में, फ्रेंच पास्ट द टाउन हॉल, फ्रेंच ने टाउन हॉल को क्रॉस किया, पार किया, कहने मतलब उसके रास्ते में टाउन हॉल पड़ा। ही सा ए बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, उसने क्या देखा, एक जो सूचना पट था, बुलेटिन बोर्ड था, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लगी हुई थी। फॉर द पास्ट टू ईयर, पिछले दो सालों से, ऑल द बेड न्यूज हैड अपीयर्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इस सूचना पट पर सारी की सारी बुरी की बुरी जो सूचनाएं थी वो प्रदर्शित होती थी। द पीपल ऑफ दैट एरिया गॉट द न्यूज ऑफ द लॉस्ट बैटल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स ओनली फ्रॉम देयर, कहने का मतलब उस क्षेत्र के जो लोग थे उनको हारी हुई लड़ाइयां या फिर महत्वपूर्ण किसी भी घटना के बारे में उस सूचना पट से ही पता लगता था, कहने मतलब सारी की सारी सूचनाएं वहीं पर उस सूचना पट पे दर्ज होती थी। फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ बींग रिबक्ड, फ्रेंच डांटे जाने की वजह से बहुत डरा हुआ था। ही वॉन्टेड टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड, वो चाहता था कि हम विद्यालय में इस तरीके से प्रवेश कर जाएं ताकि हमें कोई देख ना पाए। ही होप्ड दैट इन द नॉइज कन्फ्यूजन ऑफ द स्कूल, क्या सोचा उसने, उसने उम्मीद की कि जब इस विद्यालय का जो शोर शराबा है उसके दौरान मैं मतलब कि विद्यालय में प्रवेश कर जाऊंगा। ही वुड बी एबल टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बींग सीन, उसने क्या सोचा कि जब विद्यालय में शोर शराबा हो रहा होगा, कहने मतलब विद्यालय के शोर शराबा के दौरान हम अपनी डेस्क पर बिना किसी के देखे हुए प्रवेश कर जाएंगे, चले जाएंगे, मतलब कि कक्षा में चले जाएंगे। वट वैन ही रीच द स्कूल, लेकिन जैसे ही वो विद्यालय पहुंचा, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट देयर वॉज अ परफेक्ट काम, जब उसने देखा जब विद्यालय पहुंचकर कि अरे यहां तो बहुत शांति है, बिल्कुल पूरी तरह से शांति ही शांति है विद्यालय में, तो उसे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। द अदर स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन देयर प्लेसेस, अन्य जो विद्यार्थी थे वो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एम हेमल वॉज देयर विद हिज रॉड, एम हेमल जो अध्यापक थे उसके, वो अपने एक छड़ी के साथ वहां पर मौजूद थे। ही सा फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच को देखा, बट डिड नॉट रिबक हिम, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा। ही आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट, उन्होंने बड़ा ही दयालुता के साथ, विनम्रता के साथ फ्रेंच से अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कह दिया। टू फ्रेंच द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज, फ्रेंच को पूरा का पूरा विद्यालय बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा था और बड़ा शांतमय था। बट ही वॉज मोस्ट सरप्राइज टू फाइंड दैट सम पीपल फ्रॉम द विलेज वर सिटिंग एट द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास, उसको जब जाके और ज्यादा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि गांव के जो लोग हैं वो कक्षा की अंतिम बेंचेज पे बैठे हुए हैं। एम हेमल वॉज बियरिंग हिज बेस्ट क्लोथ्स, श्रीमान एम हेमल जो उसके अध्यापक थे वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एवरीवन वॉज क्वाइट एंड सोलम, हर कोई शांत और गंभीर दिख रहा था, कहने मतलब हर कोई शांतमय और गंभीर था। देन माने तब मिस्टर हेमल सेट इन हिज चेयर, उसके बाद में श्रीमान हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ही स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन, उन्होंने बड़े ही गंभीर और मृदुल आवाज में बोला, क्या बोला, ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, अनाउंस किया। ही अनाउंस्ड दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, उन्होंने कहा कि यह मेरी तरफ से मेरा फ्रांस भाषा का अंतिम सबक है, अंतिम पाठ है। ही सेड दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, उन्होंने कहा कि बर्लिन से आदेश आ चुका है। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन,
अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में अब केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, अगले दिन नया अध्यापक आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, फ्रेंच बिकम वेरी अटेंटिव, अब फ्रेंच बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच, कि फ्रांस की भाषा में अपने पाठ को ना सीख पाने की वजह से उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। ही हैड नेवर लाइक्ड हिज बुक्स, क्योंकि उसने अपनी फ्रांसीसी भाषा की किताबों को पसंद नहीं किया था। बट नाउ ही नो लॉन्गर हेटेड हिज बुक्स, लेकिन अब उसे उन किताबों से बिल्कुल भी घृणा नहीं हो रही थी। ही इवन स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमल इन स्पाइट ऑफ हिज हार्शनेस, उसने श्रीमान एम हेमल की कठोरता के बावजूद श्रीमान एम हेमल को पसंद करना प्रारंभ कर दिया था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट कि एम हेमल वॉज अ डेडिकेटेड टीचर, उसने महसूस क्या किया कि श्रीमान एम हेमल तो वास्तव में एक समर्पित अध्यापक थे, पढ़ाने के प्रति उनका समर्पण का भाव रहता था। ही हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 years, क्या कहा उसने कि उन्होंने तो विद्यालय में 40 साल सेवा दी है। द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू अटेंड द लास्ट लेक्चर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द टीचर, गांव के जो उम्रदराज जो लोग थे, वृद्ध लोग थे, वो श्रीमान एम अमल के अंतिम लेक्चर को, अंतिम भाषण को सुनने के लिए उनके सम्मान में आए हुए थे। नाउ इट वॉज फ्रेंच टर्न, अब फ्रेंच का नंबर आ गया था टू टेल द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, कृदंत के रूल्स के बारे में सुनाने के लिए। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया, बट ही बिकेम कन्फ्यूज्ड, लेकिन वो भ्रमित हो गया, एंड रिमेंड साइलेंट, और खड़े होकर बिल्कुल चुपचाप बना रहा। हाउएवर, हालांकि एम हेमल डिड नॉट रिबक हिम, श्रीमान एम हेमल ने उसको डांटा नहीं था। देन हेमल सेड, उसके बाद में श्रीमान हेमल ने कहा दैट कि इट वॉज नॉट फ्रेंच टू ब्लेम, इसमें फ्रेंच का कोई दोष नहीं था, कहने मतलब उन्होंने कहा कि भाई फ्रेंच तुम्हारा कोई दोष नहीं है। द पीपल ऑफ अल्सेस जनरली पुट ऑफ लर्निंग देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज, क्या कहा, अल्सेस के लोगों ने प्राय अपनी मातृभाषा को सीखना बंद कर दिया था, अर्थात बंद कर दिया है। ही सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उसने कहा कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट, यह स्पष्ट है, द एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, क्या कहा, यह स्पष्ट और बहुत ही तार्किक भाषा है। हेमल आस्क्ड देम टू स्टिक टू देयर लैंग्वेज एंड प्रोटेक्ट इट टू, हेमल ने उन लोगों से कहा कि अपनी भाषा से आप चिपके रहिए और इसकी आप सुरक्षा कीजिए, कहने का मतलब श्रीमान हेमल ने कहा कि आप अपनी भाषा के साथ जुड़े रहें और उसकी रक्षा के लिए भी तैयार रहें। इफ दोज हु आर इनसेरेप्ड स्टिक टू देयर लैंग्वेज, यदि वे लोग जो पराधीन हैं, मतलब कि जो गुलाम हो चुके हैं, वो अपनी भाषा से चिपके रहें, तो दे आर श्योर टू विन फ्रीडम इन द लॉन्ग रन, तो थोड़े से समय गुजरने के बाद निश्चित रूप से वे अपनी भाषा को प्राप्त कर पाएंगे, कहने मतलब वो उन्हें अपनी भाषा की स्वतंत्रता मिल जाएगी। देन हेमल टॉट ग्रामर, उसके बाद हेमल ने व्याकरण पढ़ाया, एंड द लेसन ऑफ द डे एज यूजुअल, और उस दिन का पाठ पढ़ाया जो अक्सर वो पढ़ाते थे। फ्रेंच फेल्ट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रेंच ने महसूस किया पहली बार कि ही कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग द टीचर एक्सप्लेन्ड, फ्रेंच ने पहली बार महसूस किया कि जो भी अध्यापक ने हमें पढ़ाया है वो सब कुछ मेरे अच्छी प्रकार से समझ में आया है। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद हेमल गिव द स्टूडेंट्स न्यू कॉपीज, श्रीमान हेमल ने विद्यार्थियों को नई कॉपियां दी। एवरी वन सेट टू राइटिंग, प्रत्येक लिखने में लग गया, सडनली मतलब कि सब लोग लिखने में लग गए। सडनली मीन्स अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। द पर्सियन सोल्जर्स साउंडेड देयर
ट्रम्पेट्स, प्रसा के सिपाहियों ने अपने बिगुल बजा दिए। हैमलेट स्टूड अप वेरी पेल, उनका चेहरा उतर गया। ही ट्राइड टू स्पीक, उन्होंने बोलने की कोशिश की, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने उनका गला रोक दिया, रौंद दिया। ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सके। ही टुक ए पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन वेरी लार्ज लेटर्स, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा? बैब ला फ्रेंस लॉन्ग लिव फ्रेंस, उन्होंने कहा कि फ्रांस की उम्र लंबी हो। देन विद द गेस्चर ऑफ हिज एंड, उसके बाद में उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। ही इंडिकेटेड दैट द स्कूल वॉज ओवर, उन्होंने अपने हाथ से इशारा कर दिया कि भाई अब विद्यालय की छुट्टी हो गई, कहने का मतलब स्कूल का समय पूरा हो गया है। तो आप लोग इसको एक बार समझ में ना आए तो दोबारा समझना इसको, और इसके बाद जब भी आपको अगला चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर को रीड जरूर करें, उस चैप्टर की वर्ड मीनिंग जरूर कंप्लीट करें। बिकॉज देखिए ग्लोजरी का बहुत बड़ा एक अपना रोल होता है। यदि आपके पास ग्लोजरी स्ट्रांग है, वर्ड पावर स्ट्रांग है, तो आपको पार्ट को समझने में आसानी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।